लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि आज। लखनऊ में सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। परिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। सीएम योगी कार्यक्रम में शामिल हुए, सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल हुई, ये बड़ी खबर आपको बता रहे। लखनऊ में सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। परिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है और आज पूरे देश में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए जगह जगह कार्यक्रम भी रखे गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी पुण्यतिथि है आज। लखनऊ में सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया गया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जैसा कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे और उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। बड़ी भूमिका निभाने के साथ ही जब स्वतंत्र भारत को एकता के सूत्र में बांधने का एक चुनौतीपूर्ण कार्य उस कालखंड में कौन निभा सकता है, इस दायित्व का निर्वहन जिस कुशलता के साथ, जिस प्रभावशाली तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने उस समय किया था, आज उसी का परिणाम है। इस देश में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती को यानी 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ किया। इस अवसर पर पूरे देश के अंदर अनेक कार्यक्रम होते हैं, भारत की एकता अखंडता को छोड़े बनाए रखने, भारत को दुनिया के एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के उस संकल्प को आगे बढ़ाने को लेकर के इस कार्यक्रम आगे बढ़ता है। और हम सब जानते हैं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा व्यक्तित्व के रूप ही प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात के केवड़िया नामक स्थान पर जो लौह पुरुष की जन्मभूमि भी है, उस स्थल पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित करने का कार्य किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। प्रतिमा स्थापना का कार्य किस रूप में कि लौह संग्रह का कार्य पूरे देश के अंदर कराया गया, हरेक तीर्थ स्थल का पावन जल और हरेक गांव और जनपद की मिट्टी लेकर के उसे एक अभियान के रूप में ले जाकर के सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मभूमि में स्थापित करना और वहां पर उनका भव्य स्मारक बनना आज अपने आप में राष्ट्रीय एकता का एक महान तीर्थ बन गया है। एक तरफ हमारे सामने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का विराट व्यक्तित्व है जिसने भारत को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य उस कालखंड में किया था जब भारत को तोड़ने की तमाम साजिशें चल रही थी। भाइयों बहनों, उस कालखंड में न केवल भारत की 563 से अधिक रियासतों को भारत गणराज्य का हिस्सा बनाने में अपनी उस समय के विराट व्यक्तित्व का परिचय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया,